हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। मैं हूं आमिर जावेद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपका जो है ब्रैकियलिस मसल है। देखें, आप अपना बाइसेप ट्रेन करते हैं, ट्राइसेप ट्रेन करते हैं, लेकिन आपका जो ब्रैकियलिस जो अपना मसल है उसे आप ट्रेन नहीं करते। आज मैं आपको उसका वर्कआउट बताने जा रहा हूँ। आपने अपने बाइसेप की रूटीन में ये वर्कआउट लाजमी ऐड करना है। देखें दोस्तों, आपका ब्रैकियलिस मसल ये है जो इस जगह पर होता है, जो कि ट्रेन ना होने की वजह से दिखाई नहीं देता। अगर आपका ये मसल दिखाई दे, ऐसे आप जो है वो आपका बाइसेप अगर बड़ा हो जाता है तो वो गोल मोल नज़र आएगा, लेकिन अगर आपका ब्रैकियलिस मसल जो है वो थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, वाजिया हो गया, तो दोस्तों आपका जो है वो आपके बाइसेप की शेप भी बनेगी और आपका बाइसेप जो है दिखेगा। अगर आपने टी शर्ट पहनी है कोई तो आपका बाइसेप उसमें ठीक तरह से दिखेगा। तो दोस्तों, जो ब्रैकियलिस मसल है उसके लिए और भी जो है वो बेशुमार वर्कआउट हैं, बहुत सारे वर्कआउट हैं जो कि मैं आपको वो आस्ता आस्ता हर वीडियो में बताता रहूँगा, लेकिन जो अभी जो मेन जो वर्कआउट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अलावा ये वर्कआउट जो है वो आपके बाइसेप के लिए भी है, आपके बाइसेप पीक के लिए भी है, लेकिन दोस्तों ये मैं जो है आपको इस वक्त ब्रैकियलिस के लिए बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, बेशुमार ऐसे वर्कआउट हैं बाइसेप के लिए, ट्राइसेप के लिए और मज़ीद, लेकिन जो है वो अभी जिस टॉपिक में बात कर रहा हूँ उसी के लिए आपने ये वर्कआउट करना है, और अपने पास से कुछ भी नहीं इसमें घुसेड़ना, जैसे बताऊँगा उसी तरह आपने ये वर्कआउट करना। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं अभी आपको वर्कआउट बताने जा रहा हूँ, उसे आप देख लेंगे मैं किस तरीके से करवाऊँ। दोस्तों, आपने जो है वो अपने बाइसेप का जो मसल है, इसके लिए आपने सबसे पहले मैं लगाऊंगा सिंगल सिलेंडर, उसके बाद डबल लगाऊंगा, साथ ही डाउन ब्रेक, उसके बाद फिर सिंगल बाथ में लगाऊंगा 10, फिर सिंगल बाथ में 10 रोटेशन। तो दोस्तों, मैंने जो है वो ये वेट लिया आपको बताने के लिए, मैं पूरे 10 रोटेशन नहीं लगाऊंगा, 5-5 रोटेशन लगा फिर आपको बताऊंगा। आपने वेट जो है वो इतना उठाना है जितना आप जो है इजीली लगा सकें, जो आपके आपकी सिंगल सिंगल बाथरूम है वो थोड़े से डिफिकल्ट तरीके से जो है वो आप जो है रोटेशन। तो दोस्तों, ये देखिए किस तरह से आपको जो है ये वर्कआउट शुरू करना है। बिल्कुल स्ट्रेट आपने बैठना है चेयर पे, अपना जो शोल्डर है उनको आपने बिल्कुल लॉक करना है, आपके शोल्डर मूव नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपकी चेस्ट जो है वो आपने बाहर निकाल कर फिर ये वर्कआउट शुरू करना है। सबसे पहले हम सिंगल वर्कआउट करें, 10 रिपीटेशन करने हैं सिंगल सिंगल। इसके बाद दोस्तों, आपने साथ ही विदाउट ब्रेक कोई रेस्ट नहीं लेना, आपने डबल लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों, ये जब आपके 10 रिपीटेशन पूरे हो जाए, इसके बाद आपने साथ ही पहले एक बाजू का जो है अपने एक आर की जो आपने 10 रोटेशन लगाने, फिर साथ ही आपने दूसरे आर की, आपने इसको कोई ब्रेक नहीं देना, ये पूरा सेट आपने इसी तरह से। दोस्तों, आपने सिंगल जो है वो अपने जो है एक तरफ जो है सिंगल आपका जो आपने वर्कआउट करना है, मतलब एक आपने डबल अपना ऐसे रखना है जैसे भी आप, फिर आपने 10 रोटेशन इस बार करने हैं, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 4। आपने इस बात भी करने हैं, फिर साथ ही आपने 10 रोटेशन अपने इस आर्म पे करने हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, आपका शोल्डर बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए, आपने अपने ब्रैकियलिस मसल पे जो है वो जोर पे जो है ये डंबल वेट जो है वो उठाना है। 3, 4, 5। दोस्तों, 10 रोटेशन आपने इस बाजू पे जो आपने इस आर्म पे करनी है। दोस्तों, एक चीज आपने याद रखनी है, इसमें रेस्ट आपने बिल्कुल नहीं लेना, पहले आपने सिंगल सिंगल लगाने हैं, 1, 2, 3, 10 रोटेशन ऐसे करने हैं, फिर आपने जो है वो दोनों बाजू के जो है वो आपने रोटेशन 10 करने हैं, इसके बाद आपने सिंगल सिंगल करने हैं। इसमें आपने किसी किस्म का रफ्ता नहीं रखना, शोल्डर आपने बिल्कुल लॉक रखने हैं, शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए, जस्ट आपने अपनी वायर निकाल के रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, और आपने अपने ब्रैकियलिस जो मसल है उसके जोन पर जो है ये डंबल उठाना है। ये वर्कआउट जो है
आपके बाजू में जो है वो और भी मसलों के लिए, जैसे वीक बाइसेप के लिए भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और भी काफी मसल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये और किस किस चीज के लिए यूज की। लेकिन ज्यादातर जो लड़के हैं वो अपना बरकी वाली मसल जो है जिसको ट्रेन नहीं करते, या आपका वर्कआउट में ट्रेन नहीं हो सकता, नहीं हो पाता, आप अगर ये वर्कआउट करेंगे तब आपका ये मसल अच्छे तरीके से ट्रेन भी होगा और वाजिया भी। तो दोस्तों आपने वर्कआउट करते जो है इस चीज इस बात का जो है वो ध्यान रखना है कि आपका जो बाइस है ये रेस्ट मूड रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, नीचे बिल्कुल स्ट्रेट बाजू नहीं करना है, ऐसे थोड़े से ऐसे ऊपर रखना है, 2 इंच आपने अपने रिलैक्सिंग मूड से थोड़े से बाजू नहीं ऊपर रखना है, फिर आपने फुल भी नहीं ऐसे करना है, आपने यहाँ पे रखना ये चीज ये एंगल रहेगा आपको। तो दोस्तों इसी टिप्स से जो टिप्स के साथ जो है मैं वो आपसे जल्द चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए। मैं जो है वो पूरे जो पार्ट है उनकी वीडियो काफ़ी बनाऊंगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरी जो वीडियो है उसको आपने जो है हासिल करने के लिए जो है बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।